हेलो फ्रेंड्स, आज हम पालक दाल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, यह बहुत झटपट बन जाती है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आइए हम इसे बनाते हैं। आज हम पालक दाल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। यह मैंने एक जुड़ी पालक, आप छोटे पत्तों की पालक लीजिए, एक जुड़ी पालक मैंने ले ली है। इसे अच्छे से चूट के मैंने धो ली है। साथ में मैं यह आधा कटोरी दाल, 125 ग्राम जितनी दाल है। पालक को हम बारीक चॉप कर लेंगे और यह दाल को मैं तीन पानी से अच्छे से धो के कुकर में 6 सीटी में बॉईल कर लूँगी। मैंने पालक दाल के लिए यह अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 हरी मिर्च ली है। इस मिक्सर जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये साथ में 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। कुकर की 6 सीटी हो गई है और हमने यह पालक चॉप कर ली है बारीक, साथ में हमने टमाटर भी बारीक चॉप कर लिए। हमने एक झाड़े तले की कढ़ाई ले ली है और हम गैस चालू कर रहे हैं। इसमें हम 5 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, 3 चुटकी जितनी हींग डालिए और 1 चम्मच छोटा है जीरा डाला है। ये अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा तड़क गया है, इसमें हमने जो अदरक मिर्ची पीस के रखी थी वो डाल देंगे। ये जो टमाटर चॉप करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। इसे हम पूरी तरह से पकने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच नमक अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। हमने हाथ से क्रश करके 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इसे तेल में डाला जाए तो इसका स्वाद दोगुना आता है। 1 चम्मच हल्दी का डाल रहे हैं। हमने जो पालक चॉप करके रखी है इसे हम डालें। इसमें हमने सब पालक डाल दी है, इसे थोड़ा सा पकने देते हैं, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस हमारा मीडियम स्लो पे है, कुकर ठंडा हो गया है, इसे हम खोलेंगे। हमारी दाल भी हम चेक करते हैं, यह भी अच्छे से पक गई है, हम इसे बाहर निकालते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं, हम इसे खोलेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम गैस स्लो कर ले रहे हैं। से पूरे 20 मिनट हो गए, हम खोलते हैं। हमने यह तूर की दाल एक कटोरी ली थी, इसे हमने 3-4 पानी से अच्छे से धो के कुकर में 6 सीटी में बॉईल करके ली। इसे हम पालक के साथ मिक्स कर लेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पहले डाली है, फिर भी हमें कम लग रही है तो हम आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। हमने टमाटर के टाइम 1/2 चम्मच नमक डाला था, अभी हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच हम अमचूर का पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। और पूरे 10 मिनट इसे उबलने देंगे। इसे हम फास्ट गैस में बॉईल करेंगे। यह अच्छे से बॉईल हो गई है। इसके साथ हमें किसी दूसरी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह अच्छे से बॉईल हुई है, हम गैस टर्न ऑफ करते हैं और इसे एक कैसरोल में निकाल के हम टेबल पे सर्व करने जा रहे हैं। इस तरह हमने इसे एक कैसरोल में निकाल लिया है, इसे ढक के हम गरम गरम सर्व करने जा रहे हैं। इस तरह हमारी यह पालक दाल की सब्जी बन गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधाश किचन से सुधाश शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।